हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बीकॉम और बी स्टूडेंट्स के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज हम सीखेंगे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं ठीक है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं यहां पर दो बेसिक कंडीशंस होती हैं बेसिक कंडीशंस जो कि सेक्शन सिक्स सेक्शन वन के अंदर दे रखी है दो बेसिक कंडीशन होती है दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई होगी दोनों में से कोई भी एनी वन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है एक भी, भी कंडीशन तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा अगर रेजिडेंट माना जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है वो चेक करते हैं दो एडिशनल कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा अगर वो दोनों सेटिस्फाई होगी तो फिर वो रेजिडेंट आर ओ आर बन जाएगा ठीक है ना और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है दोनों कंडीशन तो वो रेजिडेंट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा तो चलिए देखते हैं यहां पर दो बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं दोनों में से एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी अपना काम चल जाएगा रेजिडेंट हो जाएगा तो पहली बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया यानी कि वो इंडिविजुअल इंडिया के अंदर कितने दिन तक रुकाओ वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा ठीक है ना वो रुका हो ठीक है ना करंट प्रीवियस ईयर के अंदर कितने दिन रुका है वो वन एटी टू हो एग्जैक्ट या उससे ज्यादा अगर इतना स्टेक किया है उसने तो आप समझ लो एक बेसिक कंडीशन उनकी सेटिस्फाई होगी दूसरी फिर आप चेक भी नहीं करोगे तो चल जाएगा क्योंकि एनिमल लिखा है लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेना एक बार ठीक है ना और लिख रखा है और का मतलब है या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये स्टे इन इंडिया सिक्सटी डेज और मोर यानी कि मान लेते हैं कि वो 182 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया के अंदर करंट प्रीवियस ईयर में नहीं रुकता है लेकिन 60 डेज रुकता है या उससे ज़्यादा साथ में ये देख लेना कि पिछले चार सालों का जो पिछले फोर प्रीवियस ईयर उठा लेना उसके अंदर उसका स्टे कितना है 365 या उससे ज़्यादा का है अगर वो करंट प्रीवियस ईयर के अंदर 60 या उससे ज़्यादा रुका हुआ है और पिछले चार प्रीवियस ईयर के अंदर वो 365 और मोर डेज के लिए उसने स्टे किया था इंडिया के अंदर अगर ये दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई होती है जो सेकंड कंडीशन के अंदर लिख रखी है तो हम ये मान लेंगे कि वो सेकंड कंडीशन के बेसिस पर रेजिडेंट बन जाएगा अब ऐसे केस में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है इंडिविजुअल तो वो रेजिडेंट बन जाता है और रेजिडेंट बनने के बाद अगर नहीं की तो नॉन रेजिडेंट तब तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ करना ही नहीं है ठीक है ना सीधा नॉन रेजिडेंट लेकिन अगर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा और रेजिडेंट के केस के में फर्दर हम क्या चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं क्योंकि रेजिडेंट को फर्दर हम ये देखेंगे कि आर ओ आर है या रेजिडेंट बट एन ओ आर है तो चलिए देखते हैं एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं तो यहाँ पर दो एडिशनल कंडीशन हैं जो सेक्शन सिक्स सब सेक्शन सिक्स के अंदर दे रखी है ये दो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बोथ अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है रेजिडेंट अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है रेजिडेंट तो माना जाएगा अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है सबसे पहली कंडीशन है वो रेजिडेंट होना चाहिए पिछले लास्ट टेन प्रीवियस ईयर उठा लो उसमें दो या दो से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के लिए वो रेजिडेंट होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो एक कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाती है एंड वर्ड है यानी कि दूसरी भी सेटिस्फाई होना जरूरी है स्टे इन इंडिया उसका कितना होना चाहिए पिछले सात साल के प्रीवियस ईयर उठा लो पिछले सेवन प्रीवियस ईयर लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर उठा लो और उसमें देखो कि इंडिया के अंदर कितने दिन रुका है अगर सेवन थर्टी डेज और उससे ज़्यादा अगर उसका स्टे इन इंडिया है तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है रेजिडेंट तो आर ओ आर बन जाएगा अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ठीक है ना तो रेजिडेंट बट नॉट ओर रेजिडेंट बन जाएगा अब आगे चलते हैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसका फिर आंसर आप लोग निकालेंगे और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा भी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेबी सर मान लेते हैं मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है ठीक है ना कि भाई मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं और अगर रेजिडेंट हूं तो फिर कौन सा रेजिडेंट हूं ठीक है तो ये हमें देखना है तो फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हुए इन इंडिया ड्यूरिंग द वेरियस फाइनेंशियल ईयर एज अंडर अब अलग अलग प्रीवियस ईयर के अंदर मैं इंडिया के अंदर कितने दिन स्टे करता हूं वो एग्जाम्पल यहां पे दे रखा है मान लेते हैं प्रीवियस ईयर दे रखे हैं यहाँ पे बाईस तेईस के अंदर मैं इतने दिन रुका हूँ इक्कीस बाईस के अंदर इतने दिन तो ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर दे रखे हैं ठीक तो है ना जिसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि किस साल के अंदर मैं कितने दिन इंडिया के अंदर स्टे करता हूँ अब इसके बेसिस पर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करेंगे कौन सी बेसिक कंडीशंस जो मैंने आपको दो बेसिक कंडीशंस बताई थी यहाँ पर ये बेसिक कंडीशंस मैंने आपको बताई थी ये चेक करूंगा कि ये दो बेसिक कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है

और अगर आप यहाँ पे देखोगे करंट प्रीवियस ईयर कौन सा अपना ये रहा 22, 23, 182 या उससे ज्यादा का तो स्टे है ही नहीं तो पहली बेसिक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है लेकिन जरूरी नहीं है पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो दूसरी हो जाएगी तो भी मैं रेजिनेट माना जाऊंगा क्योंकि एनी लिख रखा है लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है मेरी अगर मैं इस डेटा का यूज करते हुए अगर सेकंड बेसिक कंडीशन में आपको दिखाऊँ स्टे इन इंडिया करंट प्रीवियस ईयर के अंदर सिक्सटी और मोर अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो करंट प्रीवियस ईयर में सिक्सटी और उससे ज्यादा ही है ना स्टे मेरा इंडिया के अंदर और ये क्या कहता है लास्ट ठीक है ना पिछले चार प्रीवियस ईयर उठाऊंगा मैं और उसके अंदर मेरा थ्री सिक्सटी फाइव और मोर वो भी सेटिस्फाई हो रहा है यहां पे ठीक है ना अगर पिछले चार सालों का हम लोग उठाएं ठीक है डेटा तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है थ्री सिक्सटी फाइव और मोर तो यहां पे मैं कह सकता हूं एज पर सेक्शन तो यहां पर मैं कह सकता हूं सबसे पहले आप प्रोविजन लिखेंगे आंसर लिखते टाइम तो एज पर सेक्शन सिक्स मन कौन सी बेसिक कंडीशन है सारी बातें लिखेंगे ठीक है ना तो यहां पे सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके बेसिस पर मैं रेजिडेंट कल अब अगर मैं रेजिडेंट हूं तो मुझे एडिशनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी और एडिशनल कंडीशन दो बताई थी अगर दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो मैं आर इस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं इसलिए मैं रेजिडेंट बट माना जाऊंगा ठीक है ना आई होप आपको क्लियर होगा तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कराया है आप एक बार इसको खुद से भी करके देखेंगे ठीक है आंसर भी मैंने इसको दिखा दिया चलिए अब इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है ठीक है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ये रहा इंडिविजुअल के केस में एक छोटा सा पॉइंट और है ये है डीम्ड रेजिडेंट ना एक सेक्शन होता है सेक्शन सिक्स सेक्शन वन ए ये कहता है डीम्ड रेजिडेंट ये कहता है कि इंडियन सिटीजन है मान लेते कोई जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूं है ना और मेरी जो टोटल इनकम है वो पंद्रह लाख से ज्यादा है कितनी है टोटल इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा है ठीक है ना अदर देन फोर सोर्स इनकम ये इनकम नहीं लेनी है इसके अंदर अदर देन फॉर सोर्स इनकम है ना मेरी जो टोटल इनकम है वो पंद्रह लाख से ज़्यादा है और मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और किसी दूसरी कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर मैं नॉट लाइबल टू टैक्स हूँ यानी मैं कहीं पे टैक्स नहीं भर रहा हूँ ना टैक्स दे रहा हूँ ना तक कुछ टैक्स के लिए लाइबल हूँ ठीक है ना तो मैं लाइबल ही नहीं हूँ किसी अदर कंट्री के अंदर तो इंडिया के अंदर मुझे रेजिडेंट मान लिया जाएगा और मेरे पे टैक्स लगा देंगे है ना इंडिया के अंदर मुझे रेजिडेंट मान लिया ले जाएगा लेकिन यहाँ पे कौन सा रेजिडेंट मानेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है है ना क्योंकि रेजिडेंट भी तो दो तरीके के होते हैं ना तो यहां पे रेजिडेंट बट एन ओ आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा ठीक है तो ये था इंडिविजुअल व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं उसके अंदर बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी होती है और एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती है आई होप आपको क्लियर होगा विद एग्जाम्पल एंड डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाय